तो आज है 8 जुलाई और आज के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को लास्ट में करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जैसे कि आप डेली करते आए हैं। इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा हौसला और उत्साह बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक्स का, तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और टारगेट को पूरा कर दीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? दोस्तों हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मार्क जुकरबर्ग। देखिए दोस्तों, फेसबुक इंक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार जुकरबर्ग जो अब तक केवल Amazon.com इंक के संस्थापक जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प के संस्थापक बिल गेट्स से पीछे थे, अब जो है तो उन्होंने वॉरेन बफेट को फेसबुक शेयर में 2.4% की वृद्धि से पीछे छोड़ दिया है। और दोस्तों इसके अलावा बता दें कि 34 वर्षीय जुकरबर्ग अब $81.6 अरब पर हैं। बात यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग की हो रही है, तो इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म, पूरा नाम क्या है, मार्क एलियट जुकरबर्ग। जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 14 मई 1984 को। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क USA में। और मार्क जुकरबर्ग के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि एक अमेरिकी उद्यमी और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मार्क जुकरबर्ग को कब बनाया गया था? 2010 में जो तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया, कब? 2010 में। अब यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 2017 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे एग्जाम में, 2017 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना था? दोस्तों ये बना था द साइलेंस ब्रेकर। कौन? द साइलेंस ब्रेकर बना था। अब ये क्यों, यहाँ पे रीजन क्या है? द साइलेंस ब्रेकर उन्हें इसलिए कहा गया ताकि जिन्होंने यौन शोषण के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ी थी, ठीक है। और बात यहाँ पे फेसबुक की करते हैं दोस्तों, फेसबुक की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 2004 को, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 4 फरवरी 2004 को। कौन थे संस्थापक? मार्क जुकरबर्ग जी, ठीक है। और ये क्या है फेसबुक, आप सबको पता ही, निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा यानी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बात करें वॉरेन बफेट जी की, तो वॉरेन बफेट जी जो है तो इनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1930 को, अमेरिकी निवेशक है और व्यवसायी और परोपकार के व्यक्तित्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें शेयर बाजार की दुनिया का सबसे महान निवेशकों में एक माना जाता है, ठीक है। बहुत महान इन्वेस्टर हैं ये। इसके अलावा दोस्तों ये जो तो वर्कशायर हैथवे कंपनी के वर्तमान में CEO, कौन? वर्कशायर हैथवे कंपनी के वर्तमान CEO हैं। वहीं बात करें दोस्तों जेफ बेजोस की, दोस्तों जेफ बेजोस जो है तो Amazon.com के संस्थापक अध्यक्ष और CEO हैं, ठीक है। Amazon.com के संस्थापक अध्यक्ष CEO कौन है? जेफ बेजोस। इसके अलावा दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था अल्बुकर्क न्यू मेक्सिको USA में, ठीक है, ये भी USA के हैं। इसके अलावा दोस्तों जो Amazon.com, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो Amazon.com दोस्तों आपको पता है एक ऑनलाइन स्टोर कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। इससे आप लोग शॉपिंग भी करते होंगे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। और दोस्तों इसके अलावा बता दें हम आपको कि ये स्टोर का जो नाम है, स्टोर का नाम अमेजन क्यों पड़ा था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है उसी के नाम पर इसका नाम अमेजन पड़ा था। अब दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है अमेजन नदी जो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली नदी है, और इसके अलावा बता दोस्तों आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी तथा नदी लंबाई के हिसाब से दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। वहीं पे बात जब दूसरी लंबी नदी की हो रही है, सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो। तो दोस्तों सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी है, जिसकी कहाँ से उद्गम स्थल होता है? विक्टोरिया झील से। और ये कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में। इसकी टोटल लंबाई कितनी? 6,650 किलोमीटर, ठीक है। तो नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से। और ये कहाँ पर गिरती है? भूमध्य सागर में। इसकी लंबाई कितनी? 6,650 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है। वहीं बात करें बिल गेट्स जी की, तो बिल गेट्स जी जो तो माइक्रोसॉफ्ट नामक कंपनी के सह संस्थापक थे तथा अध्यक्ष हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1955 को। देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो दोस्तों अमेरिकी रेडमंड में वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर है? अमेरिका रेडमंड वाशिंगटन में इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन कौन से थे? बिल गेट्स तथा पॉल एलन। कौन कौन थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक?
बिल गेट्स तथा पॉल एलन थे। ठीक है, तो हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के संस्थापक। और दूसरे नंबर पर कौन है? जेफ बेजोस। और फर्स्ट नंबर पर बिल गेट्स हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पर वॉरेन बफेट जी बन गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। आप सारे क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फाइव डिस्कस करता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करें, आपको जो है तो जीके का पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आयरन मैन ट्रायथलान को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों आयरन मैन ट्रायथलान को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं अंजू खोसला। कौन बन गई हैं? अंजू खोसला। देखिए दोस्तों 52 वर्ष में अंजू खोसला एक आयरन मैन ट्रायथलान को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। और वह सबसे कठिन एक दिवसीय खेल आयोजनों में से, नई दिल्ली निवासी हैं ये, ऑस्ट्रिया के कारिंथिया में 15 घंटे 54 मिनट और 54 सेकंड में अपना पहला पूर्ण आयरन मैन ट्रायथलान पूरा किया है। देखिए दोस्तों ये जो है तो इसमें 3.86 किलोमीटर की स्विमिंग लेग होती है, इसके अलावा 180.25 किलोमीटर की जो है तो बाइक लेग, और मैराथन इसमें कितना होता है 42.2 किलोमीटर शामिल है, जिसे बिना ब्रेक के पूरा करना होता है। तो आयरन मैन ट्रायथलान को पूरा करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बन गई? बन गई अंजू खोसला। वहीं बात करें तो प्रेमलता अग्रवाल जी की, दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल जी जो हैं दोस्तों तो माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला कौन बनी थी? यह बनी थी प्रेमलता अग्रवाल जी। कब? 48 वर्ष की उम्र में। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों कमलजीत संधु जी की, जिनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? एशियाई खेलों में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, वो थी कमलजीत संधु। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें उज्ज्वला पाटिल की, उज्ज्वला पाटिल जी दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाली प्रथम महिला कौन बनी थी? दोस्तों नौका द्वारा संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने वाली प्रथम महिला बनी थी उज्ज्वला पाटिल जी। ठीक है, तो आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई हैं? वो बन गई दोस्तों अंजू खोसला जी। ठीक है, जो कि नई दिल्ली की निवासी हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रेमलता अग्रवाल और कमलजीत संधु, इन सबको आपको याद रखना, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी करदाता कंपनी कौन बन गई है? दोस्तों निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी करदाता कंपनी जो बन गई, वो बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं वार्षिक आम बैठक में इन्होंने घोषणा की है कि रिलायंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी का भारत का सबसे बड़ा भुगतानकर्ता बन गया है। और निजी क्षेत्र में आयकर वित्त वर्ष में यानी 2018 में 9,844 करोड़ किसने भुगतान कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा बात करें विप्रो लिमिटेड्स की, दोस्तों विप्रो लिमिटेड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहां पर है विप्रो लिमिटेड का? ये है दोस्तों बेंगलुरु में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पे कि विप्रो लिमिटेड के संस्थापक कौन थे? तो विप्रो लिमिटेड के संस्थापक दोस्तों अजीम प्रेम जी। कौन थे? अजीम प्रेम जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 दिसंबर 1945 को। कब हुई थी विप्रो लिमिटेड की स्थापना? 29 दिसंबर 1945 को। ठीक है, वहीं बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की, TCS के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। TCS के वर्तमान चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन जी। इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। फाउंडर कौन थे टाटा कंपनी के? दोस्तों फाउंडर थे JRD टाटा जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इन्फोसिस के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इन्फोसिस के वर्तमान और संस्थापक थे इसके दोस्तों वो दोनों थे एन नारायण मूर्ति जी। कौन थे? एन नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के वर्तमान चेयरमैन और संस्थापक भी थे। ठीक है दोस्तों, तो निजी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी करदाता कंपनी कौन बन गई है? तो बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक चीन के बाहर उभरते बाजार का सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? दोस्तों हाल ही में जो है तो HDFC बैंक चीन के बाहर उभरते बाजार में सबसे मूल्यवान बैंक बन गया। देखिए दोस्तों चीन के बाहर उभरते बाजार में HDFC बैंक जो है तो रूस के सबर बैंक को पीछे छोड़, किस बैंक को? सबर बैंक को पीछे छोड़ सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। और HDFC बैंक का जो है तो मौजूदा बाजार पूंजीकरण दोस्तों 74 अरब डॉलर के मुकाबले 78 अरब बिलियन हो गया है। ठीक है, 78 बिलियन डॉलर हो गया है। औद्योगिक और वाणिज्य बैंक ऑफ चाइना जो है तो
273.4 अरब डॉलर की बाजार के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। चीनी बैंक उभरते बाजार में पदानुक्रम का नेतृत्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात HDFC बैंक की हो रही है तो सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है HDFC बैंक बाजार पूंजीकरण द्वारा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। ठीक है, पूंजीकरण द्वारा भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। इसके अलावा HDFC बैंक के वर्तमान चेयरमैन कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वर्तमान चेयरमैन दोस्तों आदित्य पुरी जी। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक को घरेलू पद्धति से महत्वपूर्ण बैंक के नाम से भी लेवल दिया है। यानी दूसरे शब्दों में बोले तो टू बिग टू फेल, यानी किसी भी विफलता को पार करना। ठीक है, टू बिग टू फेल यानी किसी भी विफलता को पार करना। तो हाल ही में कौन सा बैंक चीन के बाहर उभरते बाजार का सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो बन गया दोस्तों HDFC बैंक। हाल ही में NGT का नया अध्यक्ष किसी को नियुक्त किया गया है दोस्तों? हाल ही में NGT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी को। ठीक है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार, इन्होंने किसका स्थान लिया है? न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया है उनके सेवानिवृत्ति के बाद। ठीक है, वहीं बात करें NGT की, जिसका फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी दोस्तों 18 अक्टूबर 2010 को। और ये NGT है क्या दोस्तों? NGT जो है तो 2010 एक्ट के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कब? 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, तो हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया दोस्तों न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल जी। अगला प्रश्न दोस्तों, सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है तो 7 जुलाई को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 जुलाई को सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसके मूल में सतत विकास में पहलू शामिल है और यह नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है। और इस वर्ष का थीम क्या था दोस्तों? विषय क्या था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ लिया जाएगा, सस्टेनेबल सोसाइटीज थ्रू कॉरपोरेशन। ठीक है, सस्टेनेबल सोसाइटीज थ्रू कॉरपोरेशन, इन इस साल की थीम का लक्ष्य सहयोग के माध्यम से टिकाऊ समाज बनाना है। ठीक है, बात करें दोस्तों 15 मार्च की, तो प्रतिवर्ष 15 मार्च को जो है दोस्तों प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। इसके साथ साथ विश्व विकलांगता दिवस भी 15 मार्च को भी मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों 6 अप्रैल की, तो प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। वहीं बात करें दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों 8 सितंबर की, तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 सितंबर को। तो सहकारी समितियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हाल ही में 7 जुलाई को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में ई कॉमर्स टास्क फोर्स की बैठक की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो तो नई दिल्ली में ई कॉमर्स टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। देखिए दोस्तों जो वाणिज्य सचिव हैं रीता टी ओटिया ने नई दिल्ली में ई कॉमर्स पर टास्क फोर्स की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, इसके अलावा जो वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में अप्रैल 2018 में आयोजित ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के ढांचे पर थिंक टैंक की पहली बैठक में टास्क फोर्स की स्थापना का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो हाल ही में किस शहर में ई कॉमर्स टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई दोस्तों नई दिल्ली में, आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल की क्विज का उत्तर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था दुनिया का पहला डिजिटल आर्ट संग्रहालय किस देश ने खोला है? दुनिया का पहला डिजिटल आर्ट संग्रहालय जो है दोस्तों वो खोला है टोक्यो जापान ने। तो लगभग 99% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल है, पहली बार किस हाई कोर्ट ने राज्य में जानवरों को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपने कल की वीडियोस देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। तो जिन लोगों को आंसर पता है, नहीं पता है, तब भी ज़रूर कमेंट करेंगे दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिएगा। लगभग 3 से 4 हज़ार कमेंट आने चाहिए, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आपको अभी कमेंट करना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। और वीडियो यदि आप चैनल पर पहली बार भी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें।